नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटी न्यूज के चैनल में। मैं आज आपसे बात करने वाला हूं स्टूडेंट का क्वेश्चन आंसर क्या है, जैसा कि कल आप लोगों ने भेजा है। मैं उसको सिलसिलेवार ढंग से हम बात करेंगे, उसकी पूरा आंसर देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। हाँ, एक चीज और है, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये बेस्ट चैनल है, आपके हमेशा अप टू डेट रखता है। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं और देखते हैं कि क्या है स्टूडेंट की क्वेरीज। पहला क्वेश्चन रेणु कुमारी पूछ रहे हैं, सर मेरा जीएनए में मार्क्स 81% है और मैं बिहार से हूँ, क्या मेरा हो पाएगा, प्लीज बताएं सर। कैटेगरी की भी इनसे पूछा गया था, इन्होंने बताया कि ईबीसी है। यार, इनका नहीं होगा तो फिर किसका होगा? आप देख लो, ईबीसी में आप हो, 81% है, एकदम 100% चांस है कि आपका हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। दीक्षा भाल भी पूछ रही है, सर मैं एमपी से हूं, मेरा हो पाएगा कि नहीं, परसेंटेज बताया इन्होंने 73% है। बिल्कुल आपका चांस है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है लेकिन चांस है। फाइनल लिस्ट का आप जरूर वेट कीजिए, मेरे तरफ से बेस्ट विशेष है कि आपका नौकरी हो जाए। जैसा कि देख सकते हैं आप, जॉनसन केविन पूछ रहे हैं, झारखंड से हूँ सर, मेरा रजिस्ट्रेशन बिहार का नहीं है बट जीएनएम में 83% है, क्या लिस्ट में नाम आ जाएगा? बिल्कुल 83% आप सेफ जोन में है, मुझे लगता है कि आपका हो जाएगा। विकास पूछ रहे हैं कि सर बिहार में सिस्टर इंचार्ज की गवर्नमेंट वैकेंसी निकले तो प्लीज बता दीजिएगा। बिल्कुल हम बता देंगे आपको, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा कि हमारी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। जिसे आप देख सकते हैं, अंकित सिंह पूछ रहे हैं, सर मैं ईबीसी से हूं, मैं 49 पॉइंट बन रहा है सर, क्या हो पाएगा? यार, ऐसे लोग क्वेश्चन क्यों पूछते हो यार, ऐसे लोग को नहीं होगा तो फिर किसका होगा? 49 पॉइंट यानी 80 से ऊपर तो सभी सेफ हैं। मैंने कहा कि सबका नौकरी हो जाएगा। एक केस है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर डिसीजन लेती है कि जो पीछे की जो एसटी की सिटी है उस एज उसको जनरल में फॉरवर्ड कर देती तो सभी का होगा। 80% वाले के तो फिर क्वेश्चन से नहीं पूछना, उनको किस बात की डर है? उनको तो पहले पार्टी देना चाहिए, सभी जितने भी हैं सबको एक एक जगह बुलाओ और पार्टी, तो हम भी आएंगे वहां पे, सब खाएंगे, सब मस्ती करेंगे। मनीष पूछ रहे हैं, एमपी से रहने वाले हैं, सर मैं मध्य प्रदेश से हूं और मेरा 43.9% है सर, मेरा क्या हो सकता है? बीएनआरसी नहीं है। ऐसे लोग अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो अच्छा लगता है कि 73% के आसपास हैं, तो मेरे हिसाब से फाइनल लिस्ट का आपका वेट करना चाहिए, इसलिए कि सभी का नौकरी यहाँ होना तय है। तो 73% अगर आपका बन रहा है कैलकुलेट, यानी 0.6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 43.9 बन रहा है, तो मेरे हिसाब से आपका नौकरी हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। राजेंद्र कुमार पूछ रहे हैं, सर मेरा 72% है और मैं राजस्थान से हूँ, बीएनआरसी नहीं है, मेरा हो सकता है क्या? थोड़ा लग रहा है, लेकिन फाइनल लिस्ट का मैं वही कहूँगा कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपका रिजल्ट आपको सामने आ जाएगा, टेंशन ना ले, बिंदास रहें। एक ऐसा नहीं है कि अगर ये अपॉर्चुनिटी आपसे चली जाती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइफ है, जियो, आगे फाइट करो, यही लाइफ है। ये नहीं है कि एक चीज खत्म हो गई तो एकदम बिल्कुल खत्म हो गया, ऐसा भी देर कभी कुछ नहीं होता है, ठीक है? आपकी अगली अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है और उससे हो सकती है कोई अच्छी चीज आपका वेट कर रही हो, इसलिए ऐसी चीजों नेगेटिव में कभी मत जाओ, पॉजिटिव रहो। कई कल मैं कितने लोग कमेंट पढ़ रहा है, सर कि आप डेली, आप जब रिजल्ट आ जाए तभी वीडियो बनाओ। यार, हम मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग करने की भी कोशिश करते हैं कि आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लो, टेंशन ना लो, जिसके आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। यार, रिजल्ट है, कंपटीशन है, सब फाइट करते हैं, जरूरी थोड़े है कि सभी का हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपकी इससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आगे वेट कर रही हो। मनीष शर्मा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सबसे पहले एक बात क्लियर कीजिए सर कि बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन के होगा या नहीं होगा, ये यानी ये पूछना चाहते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कीजिए, विथ और आउट बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं, यानी सीधा कहना चाहते हैं कि बिहार का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या नहीं। देखिए, फर्स्ट अगर आपने जो फॉर्म भरा गया था वहां पर आपसे पूछा गया था कि एज ए आप क्या है, अगर आप बिहार से हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। अगर आपने नो सेलेक्ट किया होगा, ठीक है, अगर नो सेलेक्ट किया होगा तो इस केस में नौकरी की जहां तक बात है, मेरे हिसाब से
यहाँ आपका चांस बनता है। इसमें कोई नहीं है कि मतलब जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उसका नहीं होगा। फिर भारत सरकार ने चाहे फिर बिहार गवर्नमेंट ने क्यों बोला कि नहीं आप आउटसाइडर को लीजिए, तो मेरे हिसाब से ऐसा देखिए वहां पर एक नोटिफिकेशन था। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है कि स्टेट गवर्नमेंट की अभी जरूरत है स्टाफ नर्स को या डॉक्टर की जरूरत है, तो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, ऐसे लोगों को डॉक्यूमेंट में मुझे नहीं लगता कि वो बाहर करेगी। मनीष शर्मा लगता है काफी टेंशन में है। उन्होंने फिर पूछा कि सर क्या आप बता सकते हैं कि अभी टोटल कितने कैंडिडेट हैं सर बचे हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि अराउंड ऑफ में 10,000 के आसपास जो हैं वो कैंडिडेट हैं, 9,130 के आसपास जो हैं वैकेंसी है, और ऑलमोस्ट जो 800 हैं उनको भी बताया था कि निराश होने की जरूरत नहीं है। जो भी 800 उनके हैं उनको भी सरकार अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तो वो ले लेगी। फिर कहीं कट ऑफ जो दूसरे चैनलों पर दिखाया जा रहा है कट ऑफ का कोई मतलब नहीं है। फिर सभी का अगर हो जाएगा, यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब SC ST का सब कुछ सब सेलेक्ट हो जाता तो उसका फिर वो कट ऑफ क्यों दिखाते हैं। अरे यार बोलो सीधी सीधी बात कि ऑल सेलेक्ट है, फिर क्यों दिखाते हो? आपको चीजें को घुमा फिरा कर दिखाने में क्या मजा आता है क्या? सीधा बोलो कि जब सीट ज्यादा है कैंडिडेट कम है तो ऑब्वियसली बात है कि SC ST जो ये हैं इनके सीट बाकी बच जाते हैं, तो बोलोगे ये सबका हो जाएगा, इसका कोई इशू ही नहीं है, चाहे वो उसका क्यों नहीं उसका 50% ही हो। तो ये सबसे बड़ी बात है, उसी चीजों को घुमा फिरा कर कई लोग देख रहे हैं कि कल भी अपने चैनल पर बोल रहे हैं कि सर 30 मई को वो आ जाएगा, वीडियो बना रहे हैं 31 को, बोल रहे हैं 30 को, तो ये कैसे हो सकता है? तो ये सब चीजें एक वेरीफाइड चैनल के पास जाइए, देखिए वहां से सब कुछ आपको मिलता है। अब ऐसे लोगों को मैं क्या कहूं। अगला क्वेश्चन लेते हैं अविनाश केहवर का। सर देखिए पहले क्वेश्चन क्या है, सर GNM और पोस्ट BSc नर्सिंग को मिलाकर 49 बन रहा है, अदर 38 से जनरल क्या हो सकता है? सर ऐसे लोग क्वेश्चन क्यों पूछते हैं मेरे से, मुझे पहले तो इसी बात को समझ में नहीं आती, ऐसे लोग क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? सर किसका नहीं होगा 59% या समझते हो ये बहुत ज्यादा मार्क्स है दोनों को मिलाकर? तो यार इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, आप एकदम बिल्कुल बिंदास रहो, ऐस करो, बस फाइनल का वेट करो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किरण प्रसाद कह रही हैं कि तो जो पेपर में दिया था तो क्या वो झूठ है, पेपर में जो डेट दिया था रिजल्ट का वो झूठ है? देखिए एक अंदेशा लगाकर न्यूज़पेपर वाले ने लिखा था, उसकी कोई गलती नहीं है। देखिए BTSC के पास जैसा कि कोरोना का जब दौर आया तो लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के बाद स्टाफ 30% हो गए, तो ऐसे में डिले होती चली गई। इसीलिए कहा जाता है, अभी भी हम यही कह रहे हैं कि पार्टिकुलर डेट बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर अभी डॉक्टर का जो है डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन चल रहा है, इसके बाद आपको बोला जा रहा है कि नर्सिंग स्टाफ को किया जाएगा। तो आप टेंशन ना लें, आप ध्यान से। अगला क्वेश्चन किरण प्रसाद कह रही हैं कि सर मैं झारखंड से हूं लेकिन बिहार BNRC नहीं दी हूं, और 46.6% है OBC से हूं, चांस है सर क्या है? तो बिल्कुल आपका चांस है, आप टेंशन ना लीजिए, आपका नौकरी हो जाएगा, आप झारखंड से हैं और मार्क्स भी आपके ठीक ठाक हैं, इसलिए आप टेंशन बिल्कुल ना लें। मुकेश कुमार कह रहे हैं कि सर मेरा जो है 83% है, मैं झारखंड से हूँ, GNM क्या कराया हूँ और बिहार से हूँ, और मैं BNRC का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, क्या मेरा हो सकता है? बिल्कुल 83% है, अच्छा मार्क्स है, आपका बिल्कुल चांस है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं मेरे से लाइफ लाइन, सर आप बोले थे कि रिजल्ट मई में आएगा, अब बोल रहे हो कि जून में आएगा, नहीं पता तो फालतू के वीडियो क्यों बनाते हो? ये आपको ही पूछ रहा हूं कि जब इसमें जब डेट चेंज हो रही है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कहा था, मैंने मेरी अगली वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने बोला था कि जून में भी आएगा, उस वीडियो का आपने पर कमेंट नहीं किया। आपको पता है क्या, आपको पता है मैंने जो नंबर दिया था आपके उसके बारे में कभी कॉल करके पूछा? नहीं पूछा ना। तो हमारे पास भी वैसी अपडेट आती है जो वहां से जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आती है, जो कॉल करते हैं, जो वहां से अपडेट आती है वो हम आपको रखने की कोशिश करते हैं। सपना कह रही है सर मैं अदर स्टेट से हूँ, 48.20 बन रहा है सर, बिल्कुल चांस है, आप टेंशन ना लें, आप देखते हैं। टिंकू कुमार कह रहे हैं थैंक यू सर, वीडियो योर स्टेट वाले जिसमें से BNRC नहीं है उनको मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, हम भी यही कहते हैं सर।
अंजना को आप देख सकते हैं, सर पूछ रहे हैं क्वेश्चंस कि सर मेरा 43.6% अदर स्टेट से क्या हो सकता है। तो थोड़ा 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 मुश्किल है, लेकिन फाइनलिस्ट का वेट करें। सर में दीपक पूछ रहे हैं, दीपक शर्मा की, मैं यूपी से हूँ, मल्टीप्लाई करने के बाद ये 40.44 थोड़ा सा मुश्किल है सर, थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी फाइनलिस्ट का आप जरूर वेट कीजिए। हरदीप कुमार पूछ रहे हैं कि मैं बिहार से हूँ और बिहार से हूँ और 83.5 है मेरा, हो जाएगा, मैं BC2 यानी फीमेल कैंडिडेट से हूँ, का क्या चांस है? यार बिल्कुल चांस है, इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, ये तो बिल्कुल 100% है कि 83.5 बहुत ज़्यादा होता है और बिहार के लिए बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। विनोद पूछ रहे हैं, सर 70 नहीं है, 73% है, बिल्कुल आप अदर स्टेट से हो, आप राजस्थान से हो, मुझे पता है कि आपकी कमेंट हमेशा आती रहती है। हम यही कहेंगे कि आप कंपटीशन में हो, लेकिन थोड़ा 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 आपको सोचना पड़ेगा इस बात को। राज पूछ रहे हैं, सर मेरा 46.20 बन रहा है, सर अदर स्टेट से हूँ, क्या चांस है? बिल्कुल चांस है, मार्क्स ठीक ठाक है आपके। प्रियंका कुमारी बोल रही हैं, गुड मॉर्निंग सर, जो लोग BSc नर्सिंग कर रहे हैं उनको स्टडी लीव मिलेगा या ना सर? इसके एजुकेशन लीव लेने के लिए क्या प्रोसेस है? इसके बारे में अभी कुछ हम बता नहीं सकते, इसके बारे में हमारे पास अभी कोई खबर है नहीं। पिंटू कुमार पूछ रहे हैं, सर व्हाट इज द स्टार्टिंग सैलरी ऑफ द GNM बिहार टू 2020? सर पहले नौकरी तो हो जाने दो, सैलरी तो मिल ही जाएगी, बताया गया है कि 45 के आसपास है, काट पीट कर ESI वगैरह काट पीट के आपको मिलेगा, इन हैंड 40 के 41 के आसपास मिलेगा, इसको प्रॉपर एक वीडियो बनेगी, आप इस चीजों का ध्यान लेके पहले तो आप ज्वाइनिंग के बारे में सोचो कि ज्वाइनिंग होगी तभी तो सैलरी मिलेगी। पिंकी कुमारी बोल रही है, गुड मॉर्निंग सर, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच सभी स्टूडेंट को जो आप कमेंट करते हो और मेरी पूछी, आपके पास भी ऐसी कोई है आप देश तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी और आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं। यहाँ चंदन कुमार कह रहे हैं, सर आप बिना रिजल्ट आए वीडियो मत बनाया करो, वीडियो से और डिप्रेशन हो जाता है, जब रिजल्ट नहीं आया तो न्यूज मिलता है, मिलते रहता है, यानी ये बिल्कुल इनको टेंशन हो जाती है कि अगर हम इन्फॉर्मेशन देते हैं तो टेंशन आती है, लेकिन आपको ये भी तो अंदेशा पता चलते रहता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, BTSC में क्या हो रहा है, एक इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। और आपको जो कमेंट लेते हैं, किस टाइप के लोग कमेंट कर रहे हैं, एक कंप्लीट आपको एक नॉलेज मिलता है इस प्लेटफॉर्म पे आके, तो मर्जी आपकी है, आपके हाथ में, अगर YouTube नहीं देखो तो आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दोगे तो नोटिफिकेशन भी नहीं जाएगी, सारा कुछ तो आपको दे रखा है YouTube ने, आपकी मर्जी है वीडियो देखो या ना देखो, बाकी मेरा ये काम होता है कि इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचाते रहूं। संत ठाकुर पूछ रहे हैं, सर रिजल्ट आने में कितने दिन बाद पोस्टिंग मिल जाएगी? मेरा इसमें अंदेशा यह है कि 2 से 3 महीने लगते हैं इस प्रोसेस में, लेकिन हो सकता है कि और सरकार फास्ट करे, क्योंकि इस समय कोरोना का दौर चल रहा है, सरकार को जस्ट बहुत जरूरत है नर्स और डॉक्टर का, तो वो चाहेगी कि जल्द से जल्द हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम मुझे लगता है 2 से 3 महीने के अंदर सब कुछ आपका हो जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पार्वती कुमार पूछ रही है, हेलो सर मैं बिहार के रहने वाली हूँ और बट मैं GNM यूपी से की हूँ और मेरा GNM में 74% है और AC कैटेगरी से हूँ, बिहार का रजिस्ट्रेशन भी है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? यार आप AC कैटेगरी से हो, ST की सीट खाली है, लेकिन आप एज ए जनरल में जाओगे, चांसेस है आपका, ठीक है, आप टेंशन ना ले, फाइनल लिस्ट का जरूर वेट कीजिए। राजीव कुमार पूछ रहे हैं, सर मैं बिहार से हूँ, BC फीमेल से हूँ और मेरा रजिस्ट्रेशन में परसेंटेज बन रहा है 37.56 है, मेरा क्या हो पाएगा? थोड़ा 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 मुश्किल लग रहा है, बाकी फाइनल लिस्ट का वेट कीजिए, 37.56 थोड़ा सा मार्क्स कम है, मेरा ओवरऑल यही होगा कि आप फाइनलिस्ट का जरूर वेट कीजिए। जसवंत पूछ रहे हैं, सर BNRC जरूरी है क्या? सर BNRC तो उस समय आपको बताया गया था जब आप फॉर्म भर रहे थे, वहां पे यस करना था अदरवाइज नो करना था, फिर भी आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना था, लेकिन ऐसा आप टेंशन ना लें, इसलिए कि स्टेट गवर्नमेंट की जरूरत है कि मैक्सिमम स्टाफ को लेना, तो मुझे लगता है सभी लोगों का हो जाएगा, आप टेंशन ना लें, 700 से 800 लोगों का थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि दिक्कत होगी, जो कि सर स्टेट गवर्नमेंट अगर वो भी डिसीजन लेती है कि अगर 10,000 हैं और 10,000 के ले लेते हैं तो सभी को हो जाएगा, इसलिए आप टेंशन लेने की कोशिश
ना करें, एक बात क्लियर है। एक दोस्त मेरे से पूछ रहा है, भाई सील सिलवार क्या होता है? भाई को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, सील सिलवार का मतलब होता है इट्स कंटिन्यूअसली यू कैन वॉक, यू नो, स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ऑफ, यू नो, स्टेप बाय स्टेप, दिस इज द डैट मीन्स दिस काइंड ऑफ द सील सिलवार। ठीक है, तो आपको भी आंसर मिल गया होगा। अब आगे पॉइंट में एक और था जो आपको मैं बता दूं क्या था। हाँ, कि भाई ज्वाइनिंग की मैं बात कर रहा था, बीटीसी स्टाफ नर्स एक ही ज्वाइनिंग कब होगी, एक लड़की ने भी पूछा था और मैंने सोचा कि इसके सेपरेट बातें कर ली जाए। देखिए, जब आपकी जॉब हो जाती है तो मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने के अंदर, यानी जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के 2 से 3 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग की जाएगी, क्योंकि सरकार के पास प्रेशर है इस चीज़ों को लेकर कि जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाए, इसलिए कि सरकार को नवंबर में इलेक्शन भी है, तो इसके सरकार के ऊपर प्रेशर है कि जल्द से जल्द रिजल्ट दिया जाए और मेडिकल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके और हमारे समाज में एक अच्छा मैसेज बिल्डअप किया जाए कि हमने कोरोना से अच्छे से फाइट किया है, जिस वजह से सभी लोगों का हमने सिलेक्ट कर लिया है और लोगों के एक बिलीफ के साथ सरकार जाना चाहेगी। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ज्वाइनिंग होगी। हर सरकार यही चाहती है कि हमारे कार्यकाल में ज्वाइनिंग हो जाए, क्योंकि उसका क्रेडिट उस सरकार को फायदा मिलता है वोट बैंक में। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का हो जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सभी का होगा। थोड़ा सा वेट एंड वॉच जरूर कीजिए कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो आज की न्यूज में ही है। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। ठीक है, वक्त हो गया है विदा लेने का। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए एसटीजी न्यूज चैनल के साथ। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।